हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। टुडे विल बी स्टार्ट चैप्टर 16, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरा अपने सामान्य अर्थ से अलग एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश है। मुहावरे का परिभाषा क्या है? परिभाषा, जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को परिलक्षित करता है तब वह मुहावरा कहलाता है। नीचे कुछ मुहावरे दिए जा रहे हैं, इसका अध्ययन करो, ठीक है? इसको आपको पढ़ना है। फर्स्ट नंबर, अंग अंग ढीला होना, अत्यधिक थक जाना। मतलब अंग अंग ढीला हो गया तो उसका मतलब है अत्यधिक थक जाना, सारा दिन चलने के कारण पारस का अंग अंग ढीला हो गया। सेकेंड नंबर, आकाश पताल एक करना, बहुत प्रयत्न करना। अपने बच्चे की तलाश में माता पिता ने आकाश पताल एक कर दिया। थर्ड नंबर, आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। वह हमेशा अपनी जली कटी बातों से आग में घी डालने का काम करता है। फोर नंबर, आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना। विकास ने झूठ बोलने पर उसके अध्यापक आग बबूला हो गए। आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत कराना। जब प्रीतम जापान से लौटा तो उसके भाई भाभी ने आंखें बिछा दी। सिक्स नंबर, आस्तीन का सांप, धोखेबाज मित्र। सुरेश पर भरोसा मत करो, वह आस्तीन का सांप है। सेवन नंबर, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। रोहित अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना। जब मैंने दीपक से अपने रुपए मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। आँखों का तारा, बहुत प्यारा। बच्चे अपने माता पिता की आँखों के तारे होते हैं। दस नंबर, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अरे भाई, कहाँ रहते हो तुम, तो ईद के चांद हो गए हो। इसका और भी अर्थ होता है, आप जैसे भी मुहावरा बना सकते हैं। जैसे आँखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना, ये तो ठीक है। या यहाँ जब प्रीतम, या तो कोई किसी और का भी नाम यहाँ कर सकते हो, और कहीं और से वो वापस आया तो क्या है, सब लोग उसके घर में उनका इंतज़ार करते रहते हैं, वही है उसकी आँखें बिछाने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कई मुहावरे के अर्थ भी होते हैं और उसको हमें विस्तार में करना भी पड़ता है, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं, ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रम करना। सैनिकों ने युद्ध में शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी या उनका डटकर सामना किया, ठीक है। 12 नंबर, उंगली पर नाचना, वश में करना। प्रमिला अपने पति को उंगली पर नचाती, यानी वश में करके क्या कर रही हैं, उनको अपने इशारों पर नचाती हैं। 13 नंबर, कमर टूटना, हिम्मत टूट जाना। जवान पुत्र के निधन से वेदराम की तो कमर टूट गई। 14 कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। मेरी बर्बादी देखकर शायद उसका कलेजा ठंडा हो गया। 15 खाली पुलाव पकाना, कल्पनाओं में डूबना। केवल खाली पुलाव पकाने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। 16 गांठ बांधना, बात याद रखना। अच्छी सलाह को गांठ बांधने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। 17 गाल बजाना, व्यर्थ की तारीफ करना। गाल बजाने वाले से ज़्यादा सावधान रहो। 18 गले का हार, बहुत प्यारा। हरीश अपने माता पिता के गले का हार है। 19 घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। कैलाश के उत्तीर्ण होने पर उसके घर में भी घी के दिए जलाए गए या खुशियाँ मनाना। जैसे राम जी वन से वापस आए थे तो सबके घरों में घी के दिए जलाए गए थे। 20 घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। सुंदर को मूर्ख बनाना आसान नहीं, उसने घाट घाट का पानी पी रखा था। ओके, अब लोकोक्तियाँ देखिए। ये तो हो गया हमारा मुहावरा। लोकोक्तियों का सामान्य अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। सामान्य, यह जन साधारण के जीवन पर आधारित कहावत होती है जिसका प्रयोग किसी विचार के समर्थन में किया जाता है, जिससे कथन की में विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। उनका प्रयोग प्रायः स्वतंत्र वाक्यों के रूप में होता है। निम्नलिखित लोकोक्तियों का अध्ययन करो। ऊँट के मुँह में जीरा, वस्तु का आवश्यकता से कम होना। खली की खुराक है 2 लीटर दूध और तुम उसे इतना सा दूध दे रहे हो। या तो ऊँट के मुँह में जीरा के साथ, मतलब थोड़ा सा दूध दे रहे हो तो उसके मुँह में
क्या है, ऊँट के मुँह में जीरा के समान होता है। सेकेंड नंबर, एक पंथ दो काज, एक काम के काम से दोहरा लाभ होना। मैं अपने काम से मुंबई तो जा ही रहा हूँ, साथ में तुम्हारी बहन से भी मिलाऊंगा, यानी एक पंथ दो काज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर, एक अनार सौ बीमार, चीज कम चाहने वाले अधिक। इसे इस इलाके में एक ही नल है जहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है, इसे कहते हैं एक अनार सौ बीमार, क्योंकि एक ही नल से सबको पानी की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक ही है और सब उसको चाहने वाले हैं, तो इसलिए ये बोला गया है। ये लोकोक्ति हमारी है एक अनार सौ बीमार, ठीक है। फोर नंबर, देखते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति ही दूसरों में दोष निकालते हैं। बहुत अच्छे, मुझे ही टक्कर मारी और चिल्ला भी मुझ पर रहे हो, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डाले, वही गलत काम हम कर रहे हैं और हम उन्हीं के ऊपर चिल्ला रहे हैं, तो ये हमारा ऐसा ही है जो ये लोकोक्तियाँ बनी हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। फाइव नंबर, देखते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना, उससे क्या लेख पढ़वा रहे हो, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी उसको कुछ नहीं आता और उससे तुम क्यों पढ़वा रहे हो, ठीक है। छः नंबर, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं भयभीत रहता है, चोरी की बात सुनकर वह तुरंत अपनी सफाई देने लगा। मैं समझ गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि इसमें क्या है कि वो खुद चोरी करके दूसरों के ऊपर खुद चोरी करके अपने सफाई दे रहा है कि मैंने चोरी नहीं की है। सेवन नंबर, थोथा चना बाजे घना, अयोग्य ही अपनी प्रशंसा करते हैं। गीता की बातों का विश्वास मत रख करो, उसे सिर्फ बोलना आता है, थोथा चना बाजी घना, ठीक है। तो इसके आप रीडिंग कर लीजिएगा अच्छे से, मुहावरा और लोकोक्तियाँ लर्न कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।